जंकी भाई साहब है जो आते हैं गपा गप के लिए, कोई पाबंदी नहीं है, उनके बकायदा ऑफिशियली आईडी कार्ड बने हुए हैं। तो यहाँ पर इस तरह से खड़े मिल जाएंगे वन पर्सन, 500 बाट से लेके अराउंड 2000 बाट में आपका ये शॉर्ट टाइम के लिए कह रही है जाने को। कितनी बार आप आ चुके हो बड़ा? मेरा 6th टाइम है। हाथ तक उठा दे उनको अगर पता चल जाए रिकॉर्डिंग हो रही है। आइलैंड के अंदर वीट ऐश लीगल हो गई है। चलो जी आपको सैंपल दिखाते हैं कि ये जो माहौल खड़ा है चौक की तरफ उनका क्या रेट लेता है, मतलब पिकअप अगर आपको करना हो थोड़ा आइडिया देते हैं आपको। और जो हमारे जंकी भाई साहब है जो आते हैं गपा गप के लिए, समझ रहे हो गपा गप वगैरह इन सब चीजों के लिए, तो भाई साहब यहीं पे घूमते क्यों रहते हैं? हर दूसरे तीसरे महीने पटाया क्यों आ जाते हैं, वियतनाम कंबोडिया क्यों आ जाते हैं, इन जगहों पे क्यों हाटते रहते हैं? क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीजें ना बहुत कॉमन है और सबसे ज्यादा थाईलैंड में कॉमन है। तो भाई साहब आपको यहीं पे जो एंटरटेन करते हैं थोड़ा सा हम भी एंटरटेन करके दिखाएंगे, लेके नहीं जाने वाले, बताने वाले हैं कि आप लोग अगर आओगे तो किन चीजों का ध्यान रखना है। और ये इस वक्त उन्होंने ये पटाया के जो बीच को ना बढ़ा रहे हैं, ये अभी ना नया रेत डाल के आगे तक कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है मॉर्निंग के वक्त। तो यहाँ सारे लाइन से जितने जितने बड़े बड़े होटल्स है, चाहे हॉलीडे इन हो हनीमून इन हो, बड़े बड़े होटल सारे लाइन से इसी स्ट्रीट पे मिलने वाले हैं आपको। ये देखो हिल्टन, तो सारे होटल आपको इसी लाइन पे, सुबह का नजारा नेक्स्ट लेवल होता है। कोई बड़ी बात नहीं भाई, यहाँ ओपन में रात को यहाँ भी शुरू हो जाता है माल सामान, समझो ना। हाँ यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या है थाईलैंड के अंदर, कोई पाबंदी नहीं है, आप अपनी मर्जी से कहीं कुछ भी कर सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पे जो वर्कर है जो होते हैं इनके बकायदा ऑफिशियली आईडी कार्ड बने हुए हैं। तो इवन अगर आप पिक करके किसी को लेकर जाते हो अपने होटल के अंदर, तो उनका आईडी कार्ड पहले जमा होता है, ठीक है जी। आपके रूम तक अगर जाते हैं सर्विस के लिए और सर्विस करके जब वापसी आते हैं, वो आईडी कार्ड तभी मिलता है जब नीचे से रिसेप्शन से फोन करके कंफर्म करा जाता है हमसे कि भैया सब कुछ ओके है, तो आईडी कार्ड दिया जाता है। कोई मतलब ऐसा फ्रॉड कोई गलत गाती कोई ऐसी तो चीज़ नहीं होगी कि भैया कह के कुछ और आए थे कर कुछ और दिया, तो फिर आईडी कार्ड दिया जाता है। ये सबसे बड़ी चीज़ है, ऑफिशियली यहाँ पे सारी चीज़ें लीगल हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे होती है। शायद आप लोगों को अभी तक ना पता हो तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कई ऐसा होता है जो मतलब कन्वर्टेड होते हैं उनके पास ज़्यादातर आईडी कार्ड नहीं होता, और उनसे बच के भी रहना सबसे ज़्यादा फ्रॉड सबसे ज़्यादा घपलेबाजी। ऐसी एक अनाउंसमेंट मुझे भी आई लास्ट टाइम याद है कि उन्होंने एक टाइम पे तो कर दिया था लूटबारी के चक्कर में, क्योंकि उनके पास आईडी कार्ड नहीं होता लीगली, क्योंकि अगर वो पूरा ऑफिशियली कन्वर्ट नहीं है ना तो उनको आईडी कार्ड भी नहीं मिलने वाला, समझ रहे हो ना। तो इस चीज़ का भी खास ध्यान रखिएगा। चलो आपको एक्सप्लोर करते हैं, बातें तो भैया बहुत सीरियसली कर ली, आपको दिखाते हैं यार यहाँ का माहौल। तो यहाँ देखो ये बैठे हैं, चटाई घर से लाए हैं, खाने खुने को लाए हैं और चिल कर रहे हैं। हेलो। और ये देखो यहाँ पे आपको इस तरह से कर यहाँ पे खड़े मिल जाएंगे, तो यहाँ पे इस तरह से खड़े मिल जाएंगे। अगर आप अगर क्लब लंबे जा रहे हो तो अगर आपके अंदर घर से है तो फ्री में भी ले जा सकते हो। ये पूरी स्ट्रीट पे रात के वक्त अभी आपको पूरे इस तरह नजर आने वाले हैं दबा के, तो आपको यहाँ पे सारी जगह मंदिर नजर आने वाले। मैं एक तरफ बात कर रहा हूँ वर्कर की, एक तरफ बात कर रहा हूँ मंदिरों की, तो बात हजम नहीं हो रही, पर आपको बता देता हूँ ये बात फैक्ट है। ये बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं इन्हीं चीजों पे, भगवानों पे, और अगर राजा जो है वो और यहाँ के लोग हैं दो धर्मों को मानते हैं, एक हिंदू धर्म को जैसे कि आपने देखा है, और दूसरा मानते हैं बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म को थोड़ा ज्यादा मानते हैं, कहीं भी कोई प्रॉपर्टी होती है कुछ भी लेते हैं तो वहाँ पे ये बाहर मंदिर बनाते हैं, और इनका ये मानना है कि भैया वहाँ से बुरी आत्माओं का बुरी चीज़ों को दूर रखने के लिए वो बाहर मंदिर बनाया जाता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, आपको कोई भी बड़ी जगह पे बड़े होटल पे बाहर आपको छोटा से बड़े से बड़ा मंदिर मिल जाएगा। ये कुछ बातचीत चल रही है, बात हो रही है, और ज़्यादातर इंडिया नहीं मिलने वाले। वैसे प्राइसिंग बताऊँ तो 500 बाट यानी एक बाट हमारा है 250 का, 500 बाट से स्टार्ट होता है प्राइसिंग और अराउंड जाता है आपका 1000-1200। और यहाँ देखो आप अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग किसी को भी ले जा सकते हो। भाई पता नहीं ऐसा क्यों अभी मास्क वाला सिस्टम, पर यहाँ लोग मास्क लगा रहे हैं, हम बस के अंदर चढ़े थे ना तो भी हमें मास्क दे दिया। ये देखो ये कुछ यूनिक अभी बना, ये भी लाइव है लाइव, ये जो कुछ ना भाई साहब, ये ग्रेट वाओ हिंदी फिल्म, ये ओके नाइस ग्रेट। और यहाँ बीच में देखो चिल कर रहे हैं लोग, बढ़िया माहौल रहता है, यहाँ बातचीत भी चल रही है और यह माहौल बढ़िया रहता है। यहाँ बैठो चटाई वटाई लाओ, दारू वारू बियर वियर लाओ, कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ पे। 7-Eleven आपको यहाँ हर जगह मिल जाएगा और वहाँ पे आपको A to Z सारी चीज़ें मिल जाएगी, इवन सिम कार्ड भी मिल जाएगा। हमें अच्छा खासा 250 बाट में मिल रहा था सिम कार्ड, हमने लिया ही नहीं साला, और यहाँ पता कर रहे हैं उल्टे से रेट मांग रहे हैं यार सारे के सारे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाऊँगा ना यहाँ पे मतलब हर 5 फीट की दूरी पे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कैमरा देख के ना ये आगे पीछे भाग जाती है। चंद्र भैया देखते हैं किसी से बात करते नहीं करते, और चंद्र भैया की बात करेंगे, चंद्र भैया का लगा वो माइक, वो रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा कि क्या बात होती है। वो 2000 वन पर्सन, आई डू ओनली वन पर्सन, ओके ओनली वन टाइम वन पर्सन, यस। व्हाट योर नेम? ओली चंदन, इंडिया। लुई लुई लुई, या नाइस नेम, इसे कैट, या कैट, ओके लुई यू स्टे हियर, आई विल कम, ओके। तो ऑल ओवर भैया एक हमने ट्राई करा था, हेलो हेलो, दो भी लोगों ने
ओके ओके नो वीडियो। तो भैया अभी हमने एक जगह बात करी थी और एक जगह बात करके आइडिया लिया था कि हम ये काम नहीं करने वाले, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, हम मस्ती करते हैं, हम मस्ती करने आए हैं, दिखाने आए हैं, बताने आए हैं। तो भैया वहाँ रेट बताया गया भैया 2000 बाट फुल नाइट के लिए, बार्गेनिंग हो जाती है और रेट कम होता है, ये तो उसका रेट था और रेट भी कम हो जाता है, क्योंकि लोगों को पता है यहाँ रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं। अभी आपको लेके जाएंगे वॉकिंग स्ट्रीट पे, तो वहाँ खुले में रिकॉर्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है, और वहाँ क्लब्स हैं। बाकी ये है कि यहाँ पे आप किसी से ही बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। और भैया बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो खुद चेहरे छुपाते हैं, ना कि सिर्फ वो लोग चेहरे छुपाते हैं, लोग भी चेहरे छुपाते हैं। तो बस हम तो आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे 500 बाट से लेके अराउंड 2000 बाट में आपका प्रोग्राम हो जाता है, समझ रहे हो ना बात। तो पटाया वेलकम कर रहा है आपका। एक टाइम पहले यहाँ साला थाईलैंड का ना वीजा फ्री था, हाल फिलहाल इन्होंने वीजा रखा हुआ ना 2500 बाट, वो भी चुपता है, लोग तब भी आ रहे हैं। एक्चुअली हमने सुबह खाया था, उसका खाया नहीं है, और उसके बाद हम सो गए थे और आँख खुली है जाके रात को। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे सब कुछ रात को ही होता था। ले ले भाई एक ले ले, चलो एक ठंडा ले लेते, आंटी गुस्सा मान रहे हैं। 10 मीटर की दूरी पे यहाँ पे आपको 10 लड़के मिलने वाली है। कहाँ से हो? बैंगलोर से। कैसी रही नाइट लाइफ अभी तक, कुछ एंजॉय करा है? वॉकिंग स्ट्रीट पर होगा क्या बात है, वॉकिंग स्ट्रीट पे काफी सारे क्लब है, सस्ते में बियर मिल जाती है, इंजॉय करो, डिस्को करो, कुछ भी करो, फुल ऑन मस्ती है। तो चैनल का नाम बताते हैं भाई को और सब्सक्राइबर उठाते हैं बैंगलोर से, बाकी सब बढ़िया बने रहिएगा और आपको और बहुत कुछ दिखाने वाले बने रहिएगा। हाँ जी सर, कैसे हो? कैसे हो? कहाँ से हो? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इंदौर से। क्या बात है, क्या बात है सर, कैसा चल रहा है? बढ़िया है। आपका चैनल कौन सा? कैसी चल रही है यहाँ की नाइट लाइट? फुल मस्ती की, ऐश की है, मजे का चल रहा है माहौल। माहौल माहौल एकदम मजेदार है, मस्त पार्टी चल रही है। तो कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? मेरे को आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन है? हाँ। और तीसरे दिन अपना फुल ऑन मस्ती चल रही है। फुल ऑन मस्ती चल रही है। दोस्तों के साथ आए हैं? दोस्तों के साथ। भाई सब सच बता रहा हूँ, यहाँ आके ना बुड्ढा भी जवान हो जाता है, जो जवान है तो वो तो भाई डबल जवान हो जाता है। यस सर। कितनी बार आप आ चुके हैं? मेरा 6th टाइम है भाई साहब, देख लो छठी बार आ रहे हैं। छठी बार। और इनका बस चले, साल में 4 चक्कर मारते हैं। अरे साल में मैं सारा नहीं करूंगा। ओ भाई साहब ये भी दिक्कत है भाई साहब, भाई साहब ये भी सच्चाई है। चलिए सर, नाइस टू मीट यू। तो भाई साहब लोग फुल ऑन मस्ती करने आते हैं जैसे कि आपको बताया, तो चलो आपको दिखा रहे हैं, घुमा रहे हैं, बने रहिएगा। इतना माल है, इतना सामान है, पूछा लोग, हम जैसे कैमरा ऑन करते हैं लोग मुंह घुमा लेते हैं। ट्रांसलेट भाई, अभी तक हमारा इंटरनेट भी चालू हुआ तो कहकर ट्रांसलेट करेंगे हम। तो ये शॉर्ट टाइम के लिए कह रही है जाने को, 2000 मांग रही है। क्यों नाम है भाई? एक्चुअली में इनका काम जो रात का है, दिन में तो बल्कि और बढ़िया है, इनको और अच्छा है इनके लिए। चंदर भैया से मैंने कहा चुपचाप शूट कर लो आपको दिखाने के लिए, ओनली फॉर एडल्ट्स, मैं मोटा मोटा लिख दूंगा ओनली फॉर एडल्ट्स, और कम भी हो जाएंगे। हमने तो बार्गेनिंग की बात करी तो 1000 बाट पे वो मान गई। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, कमेंट में पूछ रहे थे भाई साहब रेट तो बताओ, रेट तो बताओ भाई साहब, ये रेट है। शक्ल शायद थोड़ी बहुत आपको दिखी हो अंधेरे में, क्योंकि प्रॉपर शक्ल दिखा नहीं सकते, छोटे छुपे हम शूट कर रहे हैं, समझ रहे ना। चंद्र भैया लगे हैं बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या रहता है सिस्टम। देखो पूरा रिसर्च करके अच्छी तरह बता रहे हैं कि क्या सिस्टम रहता है, हर तरह का सामान मिलता है, ज़्यादा भीड़ भड़क का शोर शराबा नहीं है। अदरवाइज यहाँ पे इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, ये जो लाइन है ना पूरी स्ट्रीट पूरी जाम होती है भाई साहब। ये मांग रही है 2000 रुपये और जाएगी 4 घंटे के लिए। अच्छा। और अल्जीरिया से? अल्जीरिया। देखो मसाज पार्लर भी बहुत सारे हैं, कई तरह की मसाज होती है, और यहाँ पे हनी मसाज, सैंडविच मसाज, सैंडविच मसाज आपने सुना होगा ना, वो वाली मसाज यहाँ रियल में होती है, वो सब कुछ वो हम नहीं दिखा पाएंगे, पर यहाँ पे सारी तरह की मसाजें, कई तरह के पार्लर, बहुत कुछ जो आपने सोचा है, जो सुना है बातों में, सब कुछ आपको यहाँ मिलने वाला है। चंद्र भैया दोबारा गए हैं बात करने, पीछे जो लड़की है और वो थोड़ा सा ठीक ठाक है, तो उसकी प्राइसिंग भी ज़्यादा है भाई साहब, 3000 बाट। हेलो स्वादिकाम। तो बस फटाफट चल रहे हैं, कितना ही दिखाएं आपको, ये पूरी स्ट्रीट इसी चीजों से भरी हुई है, तो कितना ही दिखा दे आपको, समझ रहे हो ना, ये लाइन से स्ट्रीट के ऊपर ये पूरे नारियल के पेड़ लगे हुए ना, बहुत खूबसूरत स्ट्रीट है यहाँ, शाम को टहलने में मजा ही कुछ और है। हम आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं, हम यहाँ कुछ ऐसा करने नहीं आए भाई साहब। कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ध्यान रखना पड़ता है, कुछ लेडीज़ तो ऐसी हैं भैया हाथ तक उठा दे, उनको अगर पता चल जाए रिकॉर्डिंग हो रही है, बात समझ रहे हो ना, तो इस चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। चोरी छुपे शूट कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये जो जगह है ना बिलीव इट और नॉट बहुत ही शानदार है, ये बहुत एडवेंचरेबल मॉल है, तो यहाँ पे आपको लेके जाऊंगा सर द्वारा, बहुत ही मजा आने वाला है। अगर आप कुछ एक्टिविटीज करने आते हो असल तो पढ़ाई करना सिर्फ ये सब कुछ नहीं है, घूमने के लिए बहुत कुछ है भाई साहब, बहुत कुछ है। तो उनमें से ये एक मॉल है बिलीव इट और नॉट, और खाने पीने की दुकानें स्टॉल्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे, इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह यहाँ पे भर भर के मिलेंगे, मजा आने वाला है। हेलो। तो भैया लोग यहाँ टूरिस्ट वगैरह आते हैं, चिल करते हैं, फुल ऑन मस्ती करते हैं। वो इंडियन झंडे के अंदर भाई साहब ने किस तरीके से बनाया, वाह जी वाह, बढ़िया यार, यहाँ पे इंडियंस का इस वक्त इतना बोलबाला है। 10 बाट लगते हैं इस टुक टुक पे बैठने के, कहीं भी चढ़ जाओ कहीं भी उतर जाओ, मैं बार बार बता रहा हूँ। इवन आप यहाँ बाइक वाइक भी रेंट कर सकते हो। लोग बातचीत अपना सेटिंग बिठा रहे हैं। और जी क्या हाल चाल है जी, कहाँ से हो? केरला से। नाइस यार नाइस। मैंने कहा था पंगे मत लियो यहाँ, ये पंगे लेगा ना इसके पीछे बढ़ जाएगी। खाने पीने के लिए ना भाई साहब सच बता रहा हूँ, यहाँ के लोकल बंदे से अगर आपने लेना नहीं है, पंगा नहीं लेना, वो नहीं लोगे ना ऐसी बदतमीजी करेगा आपके साथ, पूछो मत।
यहाँ पुलिस भी घूम रही है भाई, टूरिज्म पुलिस है, यहाँ पे ध्यान रखती है टूरिस्ट को लेकर, किसी के साथ बदतमीजी, कोई लूट बजारी, कोई ऐसा कोई काम तो नहीं हो रहा, उन चीजों का खास ध्यान रखा जाता है। कैमरा देखते ही लड़की ना कुछ भाग जाती है। तो भैया यहाँ पेंटिंग्स वगैरह बनाई जा रही है और भाई साहब हमें मिले हैं विंग डीजल। ओके नो प्रॉब्लम भाई, इसकी शक्ल है बिल्कुल वो जो नीड फॉर स्पीड वाला हीरो है ना उसकी तरह लग रही थी, मैं कहा फोटो में ले लेता पर भैया लड़कियों की तरह ये भी शर्मा गया। भाई साहब ये बीच के ऊपर रात का माहौल है, लोग ऐसे चटाई वटाई लगा के ना बैठ के दारू वारू पीते हैं, मस्त चिल करते हैं यहाँ पे, मस्त चिल, ये देखो इस तरह से बैठते हैं, खाओ पियो मस्त करो, और यहाँ पे पुलिस भी घूमती रहती है टाइम टू टाइम, ऐसा कोई नहीं है कि कोई भी उठ के आ जाएगा या खड़ा हो जाएगा, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ सब लीगल सिस्टम से काम होता है, इसी चीज़ के लिए पटाया मशहूर है, समझ रहे हो ना। ये बीच आगे यहाँ से चले जाता है वॉकिंग स्ट्रीट की तरफ और वो लिखा हुआ है पटाया, तो आपके लिए ही रिस्क उठा रहे क्योंकि यहाँ पे शूटिंग करना अलाउ नहीं है, जैसे कैमरा ऑन करते ना इधर उधर हो जाते हैं सारे, समझ रहे हो ना। तो इस चीज़ के थोड़ा सा लाइक मार देना, कमेंट करना, कुछ भी पूछना, इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, क्या फॉर्मेलिटी है, क्या चीज़ें और किन चीज़ों का स्कैम हो रहा है यहाँ पे थाईलैंड के अंदर आते वक्त, अगर आप पहली बार आ रहे हो तो मैं कहूँगा भैया ध्यान रखना उस चीज़ का, समझ रहे हो ना। लास्ट में इससे पहले वियतनाम में अंदर थे, वियतनाम में खाने की इतनी ज़्यादा दिक्कत थी और यहाँ पे इतने ज़्यादा इंडियन रेस्टोरेंट है, इवन कचौड़ी, गोलगप्पे, इडली, समोसा, सोसा, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ। भाई घूमते घूमते वॉकिंग स्ट्रीट के पास आ गए तो आपको दिखाएंगे अभी वहाँ का माहौल, बाकी यहाँ पे खाने के लिए फ्रूट्स वगैरह इस तरह पैकिंग मिल जाते हैं यार, 50-50 बाट के, पर यहाँ महंगे मिलते हैं सर। तो सामने अपना है प्यारा वॉकिंग स्ट्रीट, वो जो वॉकिंग स्ट्रीट का जो माहौल है ना वो मेरी अगली वीडियो में आपको नजर आने वाला है, तो चीखना शुरू कर देते हैं यहाँ के लोग, वो पीछे पड़ गए चंदन के। ये चिकन कॉम्बो है 129, ये खाना बहुत जरूरी है, इतना चल रहे हैं, इतना घूम रहे हैं, भाई साहब आपसे इतनी बात कर रहे हैं, एनर्जी हमारी लो हो रही है, तो खाते हैं फिर करते हैं बात। अभी क्या थाईलैंड के अंदर वीट ऐश लीगल हो गई है, तो भैया चौड़े में सामने बेच रहे थे जो लोग पीते हैं ना भाई साहब, आज की डेट में यहाँ पे टूरिस्ट बढ़ाने के लिए इन्होंने ये सब लीगल कर दिया है। ये वियतनाम से आए हैं शायद, वियतनाम नाइस, इंडिया, वी आर कमिंग फ्रॉम वियतनाम। देखो बिल्कुल वॉकिंग स्ट्रीट के पास इंडियन रेस्टोरेंट है और ये भी इंडियन डांस क्लब है, मैं कह रहा हूँ इंडियन ने तो यहाँ पे पूरा ही कब्जा कर लिया भाई, ये रहा इंडियन डांस क्लब देख रहे हो, और अभी चलते हैं अंदर वॉकिंग स्ट्रीट पे, यार मजा आने वाला है, सच में बहुत जबरदस्त क्राउड होता है, सारा माहौल आपको दिखाएंगे, आगे का जो सफर होने वाला आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने वाला है। यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, ज्यादा शेयर कर देना, कमेंट कर देना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, कुछ भी पूछना है, कुछ भी डिटेल चाहिए इंस्टाग्राम पे चले आइएगा, मैसेज कर दीजिएगा, मिलते हैं, बाय बाय गाइस, बाय बाय बाय। I know you told your friend you're not okay.